नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से खास बातचीत भी की और वहां पीएम मोदी का भौकाल भी देखने को मिला। अब इस चीज से कोई जल रहा है, जिसके बारे में नागालैंड के उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तेमजेन इमना ने बताया, जिस पर जनता भी खूब मजे ले रही। चलिए आपको भी बताते हैं ऐसा क्या कह दिया है तेमजेन इमना ने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से कुछ खास बातचीत करते हुए दिखाई दिए और साथ साथ वहां पीएम मोदी का दबदबा भी देखने को मिला, जिसका वीडियो तेमजेन इमना ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और लिखा है, हमारी चलती है किसी की जलती है। अब जो यहाँ तेमजेन इमना ने तंज कसा है किसी की जल रही लिखकर, तो यहाँ कयास लगाया जा रहा है कि ये तंज उन्होंने विपक्ष पर किया है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि पीएम मोदी कुछ भी करते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है। ऐसे में ये तंज विपक्ष पर मारा जा रहा है। खैर, इस पर अब जनता भी मजे ले रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, अब तो सबकी जलती है। दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ओप्स बर्नॉल मोमेंट। एक और यूजर ने लिखा है, ना जलती ना सुलगती, धुआं धुआं हो जाती है। एक और यूजर ने लिखा, गद्दारों की जलती है। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, और वो अभी बिजी हैं भारत जोड़ने में। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने ये भी बात की कि 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में क्या बड़ा फर्क आया है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर, और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर
नेशनल हाईवे बनाए हैं, यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल एक साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए।